अमेरिका चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट सुभाष, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया में हम रहते हैं और इंडिया से हमारे दोस्त या रिश्तेदार जो हैं वो अक्सर हमारे से पूछते हैं कि तुम लोग इंडियन सब्जियाँ जो हैं वो उनको कैसे खाते हो, मतलब कहाँ से लेके आते हो। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल मिलती हैं इंडियन सब्जियाँ जो हैं, यहाँ पर उगती भी हैं और यहाँ पर मिलती भी हैं। तो हमारे लिए टिपिकली दो सोर्सेज रहते हैं, कुछ तो हम जो है लेके आते हैं स्टोर से, जैसे इंडियन स्टोर्स होते हैं यहाँ पे, उनसे वहाँ से सब्जियाँ आपको मिल जाती हैं। कुछ एक अमेरिकन स्टोर्स भी हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ वो इंडियन सब्जियाँ रखते हैं जो कॉमन होती हैं। उसके अलावा हमारे जो अपना गार्डन है, किचन गार्डन है जो हमारा, वहाँ पर भी हम लोग कुछ ना कुछ सब्जियाँ उगाते हैं और उनको भी हम जो है सीजनली वहाँ पर उगा के यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने किचन गार्डन का हम आपको टूर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी इंडियन सब्जियां जो हैं उनको हमने यहां पे अमेरिका में उगा रखा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, ये जो सफ़ेद फूल वाला पौधा आपको दिख रहा है, ये है बर्ड नेस्ट स्क्वैश का, क्योंकि इसको जो सब्जी लगती है उसका आकार जो है वो चिड़िया के घोंसले जैसा होता है। और ये दोस्तों लौकी जो पौधा होता है, लौकी एक सब्जी होती है, उसी का भाई बहन अगर देखा जाए इसको बोटैनिकली, तो पंजाबी में खैर तुम्बा बोलते हैं, कुछ एरिया में इसको कद्दू भी बोला जाता है पंजाब के या पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में। तो इसको दोस्तों ऐसे हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी डंडी जो है इसको कैंची से हम काट देंगे। यहाँ पर ये एक और लगा हुआ है, ये थोड़ा छोटा है वैसे। और यहाँ पर ये दोस्तों हमारे पिछले सीज़न के हैं, इनसे हमने चिड़िया के घोंसले बना रखे थे, आप देख सकते हैं इनमें से बीज निकाल लिए थे हमने ड्रिल से, इसमें छेद करके इस तरह से, और हम होप कर रहे थे कि इसमें शायद चिड़िया आके जो है वो रहना शुरू कर देगी, लेकिन अभी तक तो हमें नहीं दिखी है खैर, लेकिन फिर भी देखने में ये काफ़ी सुंदर लगते हैं इस तरह से। अमेरिका में कुछ लोग बर्ड नेस्ट स्क्वैश जो है इसको प्रोजेक्ट्स के लिए उगाते हैं, जैसे क्राफ्टिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उसमें बेसिकली करते क्या हैं वो इस तरह से इसके सीड्स निकाल के इस पर पेंट वगैरह कर देते हैं ताकि और भी सुंदर दिखें, तो इस तरह से क्राफ्टिंग का प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं। एक यहाँ पर ये और लगा हुआ है, देख सकते हैं आप बर्ड नेस्ट स्क्वैश, इसके फूल आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग के ऐसे होते हैं, ये मेल फ्लावर है क्योंकि इस पर आप देख सकते हैं सब्जी नहीं लगी, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें सब्जी जो है वो लगी रहती है। इस वाले पौधे पर दोस्तों आप मेल और फीमेल फ्लावर दोनों देख सकते हैं, ये सफ़ेद वाला जो है ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर देखिए आप, ये सूख गया है वैसे, लेकिन यहाँ पे इस पर जो है सब्जी लगी हुई थी इसके साथ, तो इस तरह से इसका जो है दोनों तरह के फ्लावर इस पर लगे रहते हैं। इसके पौधे के साइज़ की अगर बात करें तो इसकी बेल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाती है, आप देख सकते हैं ऊपर तक चढ़ गई है इन झाड़ियों के। और ये जो पीले फूलों वाला आपको पौधा दिख रहा है दोस्तों, ये करेले का है, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि करेले का पौधा कैसा दिखता है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी बेल जो है वो होती है, वाइन जो इसकी होती है। करेले हमारे घर पे इस बार तीन तरह के लगे हैं, ये आप देख सकते हैं इसका काफ़ी बड़ा आकार है, करीब 9 इंच से लेके 1 फुट तक लंबा ये करेला हो जाता है। करेले का पौधा दोस्तों काफ़ी घना होता है इस तरह से, और कई बार पत्तों के पीछे जो है वो करेले छुपे रह जाते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं ये पक के पीले रंग का होना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम बीज के लिए रख लेंगे क्योंकि इसको पका के खा नहीं सकते, अभी पक गया है ये। और ये एक छोटा करेला है आप देख सकते हैं, तो इसको हम एक दो दिन तक हार्वेस्ट कर लेंगे, अभी ये इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कभी कभी जो है वो छुपे रह जाते हैं और वो पक जाते हैं। और ये दूसरी तरह का करेला है दोस्तों हमारे घर पर, इसका आकार छोटा है और इसकी शेप की अगर बात करें तो वो काफ़ी स्मूथ है ऊपर से आप देख सकते हैं, जबकि दूसरा करेला जो है वो काफ़ी खुरदरा था ऊपर से, ये काफ़ी स्मूथ है, ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो इसलिए हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ये उसी वाली टाइप का थोड़ा एक बड़ा वर्जन है आप देख सकते हैं, ये हालांकि पकने वाला है, थोड़ा सा ऊपर से येलो होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी ये खाने लायक है इसलिए हम इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पर इस दो टाइप के करेले को आप साइड बाय साइड देख सकते हैं, एक देखिए काफ़ी स्मूथ है ऊपर से और दूसरा जो है उस पर काफ़ी नुकीले स्ट्रक्चर जो हैं वो बने हुए हैं। और ये दोस्तों हमारे घर पे लगा हुआ है तीसरी तरह का करेला, इसका साइज़ जो है वो मीडियम है, और इसकी जो सरफेस की अगर बात करें तो इस पर नुकीले स्ट्रक्चर जो है वो उतने ज़्यादा भी नहीं है और उतने कम भी नहीं है। इसकी अगर शेप की बात करें
तो ये बीच में से थोड़ा ज़्यादा मोटा है मिडल में से, और ये लंबाई इसकी थोड़ी कम है। और यहाँ पर आपको ये तीनों तरह के करेले जो है वो मैं साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंतर इनका दिख जाए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल अंदर करके लगे हुए हैं। अभी इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये एक और है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मैं दिखा रहा था आपको, जो मिडल में से मोटे हैं बीच में से, वो वाली टाइप है। और ये टिपिकल इंडियन करेला जो होता है वो है ये। तो ये यहाँ पर ये लंबा वाला है, एक और यहाँ पे स्मूथ वाला जो है ऑलमोस्ट पकने वाला था ये। और इसके अगर पीछे देखें यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है जो स्मूथ वाला है, इस तरह से ये पका हुआ है। इसको हम छोड़ देंगे अभी 2-4 दिन और, ताकि हम इसके सीड जो है बाद में हार्वेस्ट कर सकें। तो देखिए दोस्तों कितने करेले हमारे हमने हार्वेस्ट किए हैं घर पे। हालांकि कुछ जो हैं वो पक भी गए क्योंकि उनको हम टाइम पे तोड़ नहीं पाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट सीज़न के लिए सीड बन जाएंगे, उसके बीज जो है हम रख लेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले इस तरह के क्रेट्स के साथ जो है वो रेज गार्डन बेड बनाना सिखाया था कुछ दिन पहले, और आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर ऐसे इस तरह से शिमला मिर्चें जो है इसमें लगा दी थी, मिट्टी और मैन्योर वगैरह लगा डाल के, इसमें खाद वगैरह डाल के। और जो शिमला मिर्च के पौधे हैं वो हमारे काफ़ी बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट रेडी हैं, इनको फूल आना शुरू हो गए हैं और कुछ दिन तक इनमें जो है वो शिमला मिर्चें जो है वो लग जाएंगी। इस गमले में मैंने पीले रंग की जो शिमला मिर्च होती हैं वो लगा रखी थी कुछ एक, तो ये आप देख पा रहे हैं ये पीला रंग इनका होना शुरू हो गया है। इस पर कुछ एक शिमला मिर्चें यहाँ पे लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। पहले ये हरी होती है और जैसे ये पक जाती है धीरे धीरे करके इसका रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये दोस्तों कुछ एक अरबी के पौधे हैं, हालांकि इनको मैंने सजावट के लिए लगा रखा है गमले में, लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी कुछ ना कुछ रेसिपी बना सकते हैं। तो ये अरबी के पौधे हैं, आप देख सकते हैं इसके पत्ते जो हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं, आप देख सकते हैं हार्ट की शेप के पत्ते होते हैं इसके। ये दोस्तों यहाँ पर एक बेल लगी है, ये सेम फली जो होती है वैसी ही है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन सेम फली एक तो बड़ी वाली होती है, एक होती है छोटी वाली जो गुच्छे में लगती हैं। तो ये वाली जो है हमारे पास, ये छोटी जो गुच्छे में लगती हैं छोटी फलियां जो होती हैं वो वाली हैं। अभी इसका सीज़न ऑलमोस्ट आ रहा है लेकिन पौधा ये काफ़ी बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं। ये पौधे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लगे हुए हैं लूफा के, जिसको हिंदी में जो है तुरई या फिर रामतोरी भी बोलते हैं, और पंजाबी में तो हमारे रामतोरी ही बोलते हैं खैर उसको। तो इस तरह की रामतोरी जो होती है वो लगती है तुरई, ये इंडिया में और पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर सब्जी है गर्मियों में अगर देखा जाए तो। इसको पीले रंग के फूल लगते हैं, ये सुबह फूल खिल जाते हैं, शाम को ये बंद हो जाते हैं। अभी थोड़ा शाम का टाइम है इसलिए बंद हो रहे हैं फूल जो इसके। ये हमारे एरिया में काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है रामतोरी का जो पौधा है, ये पिछले साल भी हमने इसको लगाया था और उससे पिछले साल भी, और ये काफ़ी हाई यील्ड वैरायटी है हमारे पास जो इसके बीज हैं। और कुछ दिन तक ये पौधा और बड़ा हो जाएगा और एकदम से इस पर जो है वो रामतोरियाँ इतनी लग जाएंगी हमारे से खाई नहीं जाएंगी। ये झाड़ी नुमा पौधे जो आपको दिख रहे हैं ये बथुआ के हैं, इसको पंजाबी में बाथू बोलते हैं, हमारे इंग्लिश में इसका नाम है चिनोपोडियम शायद। ये साग में डलता है वैसे, लेकिन हमने इसको भी बीज बनाने के लिए इसको उगने दिया है। पहले हम हार्वेस्ट करते थे लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया हमने सीड के लिए, तो अभी बढ़ के ये बहुत बड़ा हो गया। और इसको मैं यूज़ करूँगा दोस्तों सपोर्ट के लिए भी, जो हमारी रामतोरी की बेल हैं जो है वो इस पर चढ़ जाएंगी, तो इस पर सपोर्ट से वो ग्रो करती रहेंगी। तो इसका इस तरह से भी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारे यहाँ पर केल लगा हुआ है, इसका टेस्ट जो है वो गोभी सरसों जैसा होता है, और इसको साग के तौर पर हम यूज़ करते हैं। अगर आपने हमारा साग वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इससे अमेरिका में साग बनाते हैं। ये बड़ी वाली जो बेल चली आ रही है इधर, ये कद्दू की है दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये एक और बेल है कद्दू की, ये जो ग्रीन येलो पत्ते आपको दिख रहे हैं ये कद्दू की बेल है। और इसकी सपोर्ट के लिए मैंने कुछ एक ये दरख्तों की टहनियाँ रखी है नीचे ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए।
यहाँ पर ये दो और कद्दू की बेलें लगी हुई हैं जिनको मैं इस तरफ जो है लेके आ रहा हूँ, जैसे जैसे बढ़ रही हैं इनको इस साइड पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी क्यारी जो है थोड़ी खाली पड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको जो है धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और इसी तरह से एक ये और ट्रांसप्लांट करी थी मैंने कद्दू की बेल, हमारे किसी और एरिया में लगी थी गार्डन के, तो ये पहले सूख गई थी लेकिन अभी फिर से उगना शुरू हो गई है, तो इसको कद्दू जो है अभी लगने शुरू हो जाएंगे कुछ दिन में, जब लगेंगे तो फिर आपको हम उसके बारे में भी दिखाएंगे। आई थिंक अप्रैल का महीना था शायद दोस्तों, मैं यहाँ पे बैठा खरबूजा खा रहा था और वहाँ से कुछ एक बीज जो है वो गिर गए यहाँ पर, और इस पौधे को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये खरबूजा लगा हुआ है, एक खरबूजा जो है यहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और ये पक गया हुआ है, देखिए कितना अच्छा कलर इस पर आ रहा है। इसको भी हम जो है वाश करके जो है काट के खा सकते हैं। ये जो पौधा आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये ज़ुकीनी का है, ज़ुकीनी यहाँ पे हमारे बहुत होती है, अमेरिका में काफ़ी इजीली ग्रो हो जाती है, और इस पर किसी दिन एक अलग से वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ज़ुकीनी हमारे घर से हार्वेस्ट करी है और इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको और जानकारी भी देंगे। और आज बात हो रही है क्योंकि इंडियन वेजिटेबल्स की, तो अपने टॉपिक पर जो है हम फोकस रखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारा पुदीना हमारे घर पे उगा हुआ है, इस तरह से पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारे टोटल पुदीना ने काफ़ी यहाँ पे एरिया टेक ओवर कर लिया है, हालांकि इतना हम यूज़ नहीं कर पाते लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रखा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये दोस्तों आप पौधा देख पा रहे हैं ये भिंडी का है, और अभी इनसे हम भिंडियाँ जो है हार्वेस्ट करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी भिंडियाँ हमारे यहाँ पर ग्रो होती हैं, कुछ एक भिंडियाँ हमारी जो है उनको टाइम पे नहीं तोड़ पाते तो वो लंबी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा आप देख पा रहे हैं, और कुछ जो है वो लंबी होने के साथ साथ पक भी जाती हैं। इसको हम जो है बीज के लिए रख लेते हैं, इनको हम तोड़ते नहीं हैं क्योंकि इनको कुक करना मुश्किल रहता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से इस पर भिंडी के फूल लगने शुरू होते हैं ऊपर, और नीचे जैसे जैसे वो फूल पकते हैं उसके साथ भिंडियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, और इस वाले पौधे पर खास कर आप देख पाएंगे कि करीब करीब हर साइज़ की आपको भिंडी जो है वो देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि अमेरिका में रहते हुए भी हम कितनी सारी इंडियन सब्जियां जो है हमारे घर पर उगा सकते हैं, और इसके साथ के साथ ही हमने आपको हमारे किचन गार्डन का भी टूर दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अभी कुछ दिनों में यहाँ पर जो इंडियन स्टोर जो है वहाँ से कैसी सब्जियाँ मिलती हैं उसका भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, ताकि उसके बारे में भी आपको जो जानकारी है वो मिल सके। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में और दिखाएंगे हमारी अमेरिका की लाइफ का एक नया रंग। तब तक आप और वीडियोज़ देखते रहिए आपके अपने चैनल से जिसका नाम है हमारा अमेरिका।